आज के वीडियो में आपको जासमिन भासिन और टोनी कक्कर की वेडिंग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में वेडिंग सीजन फुल स्विंग में है और अब कुछ एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि टोनी कक्कर और जासमिन भासिन शादी कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही क्यूट वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि टोनी कक्कर दूल्हा के रूप में हैं और उनके साथ जासमिन भासिन बैठी हैं जो दुल्हन के रूप में हैं और दोनों की शादी हो रही है। जैसे ही ये वीडियो सामने आई, ये इंटरनेट पर वायरल हो गई और फैंस ये देखकर शॉक रह गए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जासमिन भासिन और अली गौनी काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उन्हीं दोनों की शादी की न्यूज़ भी सामने आती रहती थी कि दोनों अब शादी करने वाले हैं या इस साल शादी कर लेंगे या इंगेजमेंट कर लेंगे, और दोनों के कपल को फैंस भी बहुत पसंद करते हैं। और अब एकदम से जासमिन भासिन और टोनी कक्कर की शादी का ये क्लिप देखकर फैंस काफी शॉक हो गए और फैंस कमेंट्स में यही पूछने लगे कि जासमिन ने टोनी से कैसे शादी कर ली, जासमिन ने अली से शादी करनी थी। और कुछ फैंस को तो ये भी लगता था कि जासमिन और अली ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन मैरिड तो नहीं है बट वो साथ में जरूर थे। आप सबको बताते चलें कि अगर आप सबको भी ऐसा ही लग रहा है कि जासमिन और टोनी कक्कर ने शादी कर ली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके एक सॉन्ग की वीडियो है और सॉन्ग का एक वीडियो क्लिप है जिसमें दोनों की शादी को दिखाया जा रहा है और दोनों की ये एक शूट वीडियो है। जासमिन और अली ही कपल हैं, वो अभी तक साथ हैं और दोनों के बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ कि दोनों अलग हो गए हों और दोनों ने शादी अलग अलग करनी हो। जासमिन और अली कपल हैं और दोनों ही शादी करेंगे, और जब भी शादी करेंगे हम आपके साथ ये न्यूज़ भी ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये वीडियो एक उनकी शूट की वीडियो है, एक सॉन्ग का शूट है जिसमें जासमिन एक्ट कर रही हैं और टोनी कक्कर का ये सॉन्ग है। टोनी कक्कर और जासमिन इस सॉन्ग में एक्ट भी कर रहे हैं, वीडियो एल्बम है। और ये इस छोटे से क्लिप को देखकर तो हमें यही लग रहा है कि बहुत ही मज़े का सॉन्ग होने वाला है, बहुत अच्छा सॉन्ग बनने वाला है, तो हम इसका ईगरली वेट भी कर रहे हैं। और आपको क्या लगा कि क्या वाकई जासमिन भासिन और टोनी कक्कर ने शादी कर ली है, तो हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।